नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट के अंदर। आज का टॉपिक है हमारा रेडियो स्किल। जिस विज्ञान के अंदर हम रेडियो स्किल मतलब नाभिक के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें बोलते हैं नाभिकीय अध्ययन। ये एक प्रकार का नाभिकीय अध्ययन है, नाभिकीय अध्ययन। इसे पूर्ण रूप से जानने से पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ जो परमाणु पढ़ा था। परमाणु के अंदर मैंने बताया था एक नाभिक है। नाभिक के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन प्लस आवेश और न्यूट्रॉन आवेश सहित। इसको एक धन आवेशित भी बोल सकते हैं, धन आवेश कण भी बोल सकते हैं परमाणु का नाभिक। ठीक है, इसके चारों ओर जो कक्षा के अंदर गति करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसपे ऋण चार्ज होता है। ठीक है, अब इस पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु माना जाता है। परमाणु के जो नाभिक है इसका हमें अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं बात क्या है। रेडियस की रेता की खोज की थी 1896 के अंदर हेनरी बेकरेल ने की थी। इसने क्या किया, मैं इसके बारे में पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं भी। जब तक परमाणु के नाभिक के अंदर 82 प्रोटोनों की संख्या है, मतलब धन आवेशित कणों की संख्या 82 है, तब तक तो ये एक स्थायी पदार्थ माना जाता है। अगर 87 से हो गया ये प्लस एक मतलब 83 हो गया तो ये आ जाता है एक अस्थायी। कौन सा तत्व? तो? अस्थायी तत्व या परमाणु बोला जाता है इसे। अब मैंने दूसरी बात यह भी बताई थी, जितने प्रोटोनों की संख्या होती है उतने क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब तक स्वतंत्र अवस्था में हो तब तक। अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन या दूसरा परमाणु इसके पास में आएगा तो इसके प्रोटोन सॉरी इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी होगी या वृद्धि होगी, उसके आधार पर इसमें चार्ज आवेशित होगा। ठीक है, अब देखते हैं भी हेनरी बेकुला ने क्या किया। ये अध्ययन कर रहा था एक ऐसे पदार्थ की, ये बताना है अस्थायी तत्वों की बात ध्यान में रखना, यही बात आएगी इसमें भी। जब इसने फोटोग्राफी का अध्ययन कर रहा था, फोटोग्राफी के देखते हुए उसने पता लगाया कि कुछ किरणें जो अवशोषित सॉरी उत्सर्जित हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, वो किरणें कौन सी थी? अल्फा बीटा गामा, तीन किरणें थी। अब देखते हैं वो ये केवल उन तत्वों के लिए, उन परमाणुओं के लिए जिनमें जो अस्थायी है या जिनके सॉरी नाभिक के अंदर 83 या 83 से अधिक प्रोटोनों की संख्या हो, उन्हें ही बोलते हैं अस्थायी तत्व। अब ये इन्हें जब दूसरे परमाणु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है या इनसे कोई दूसरी किरण उत्सर्जित करवाई जाती है तब इन किरणों का उत्सर्जन होता है। मतलब अस्थायी तत्व ऐसे होते हैं, अस्थायी तत्व जो जिनसे दूसरी किरण या इनको किसी पदार्थ से अवशोषित करवाया जाए या कोई अन्य किरण इसमें से करवाया जाए तब ये अपना स्थायित्व प्रदान करने के लिए अन्य किरणों को उत्सर्जित करेगा। इन किरणों को बोला जाता है अदृश्य किरणी होती है। देखने में कौन सी किरण होगी? अदृश्य किरण होगी। अब जिनका अस्थायी तत्व है, जिनके नाभिक में प्रोटोनों की संख्या 83 से अधिक है, उन्हें बोला जाता है रेडियो स्थिरता तत्व। ठीक है, दूसरी बात, दो प्रकृति में दो ऐसे कण माने जाते हैं रेडियो स्थिरता। एक तो होता है यूरेनियम 92-235 जिनमें परमाणु की संख्या होती है 92 और परमाणु भार होता है 235, और दूसरी बात पाया जाता है थोरियम जिसके अंदर 94 परमाणु की संख्या और 239 पाई जाती है परमाणु का भार। अब बात करते हैं थोरियम की।
इस वैज्ञानिक ने तो ये काम अपना कर दिया, भी रेडियस के तत्वों की खोज कर दी। अब दूसरी बात, दो वैज्ञानिक ऐसे है संबंध है उनके पति पत्नी के, एक तो था रॉबर्ट पियरी और दूसरा था मैडम पी क्यूरी। एक तो था रॉबर्ट पियरी और दूसरा था मैडम पी क्यूरी। ये दोनों एक दूसरे मतलब पति पत्नी थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस थोरियम को, इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं पिंच ब्लेड। ये पिंच ब्लेड तत्व है। जब इन्होंने इनकी खोज कर रहे थे, इन दोनों इस पिंच ब्लेड तत्व के साथ आविष्कार कर रहे थे किसी अन्य तत्व को ढूंढने के लिए, तो उनके पास एक तत्व आया रेडियम। एक रेडियम नामक का तत्व इन्होंने खोज किया। इन्हीं के कारण, इनकी खोज के कारण इन दोनों को कैंसर हो गई थी, जिनका यही कैंसर इनकी मौत का कारण बना था। मतलब बहुत बड़ा जो आविष्कार था, बहुत बड़ा विस्फोटक, खतरनाक आविष्कार था, जिनके कारण इन दोनों को कैंसर हो गई थी और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। कैंसर के कारण इन दोनों की मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं, थोरियम को पिंच प्लेट तत्व तो बोलते हैं और उन्होंने खोज की थी रेडियम की थी, ठीक है। इनके अलावा जब ये किरणें उत्सर्जित हो रही थी, इन्होंने बता दिया कि रेडियस किरण तत्व तो कुछ अदृश्य किरणें उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आया रदरफोर्ड, ठीक है, 1904 के अंदर। इन्होंने क्या किया था, भी जो किरणें उत्सर्जित हो रही है उनको नाम दिया था अल्फा, बीटा और गामा। इन तीनों का प्रकृति का भी अध्ययन किया था, भी कैसी होती है, कारण क्या है इसका बनने का, ठीक है। इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इनकी बेधन क्षमता क्या होती है, इनकी प्रकृति का अध्ययन किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, सुन, मान लिया जाए ये एक विद्युत आवेश क्षेत्र है, ठीक है, आवेश युक्त क्षेत्र, और एक क्षेत्र के दो सिरे होते हैं, एक तो प्लस, एक तो ऋणावेश और दूसरा धनावेश। दो आवेश बताए थे मैंने आपको। अब इन्होंने जब इस पे किरणों को गुजारा, मान लिया जाए यही तीनों किरणें थी अल्फा बीटा और गामा, जब इनमें से गुजारा तो गामा एक ऐसी किरण थी जो सीधी निकल गई। गामा ये इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अल्फा और बीटा है। अब जब अल्फा को गुजारा इनके अंदर से, तो इसने क्या किया, नाभिक से दूर हटकर किसकी ओर आवेशित हो गया, ये किसकी ओर आकर्षित हो गया, माइनस की ओर, ऋणावेश की ओर। ऋणावेश की ओर कौन सा, अल्फा। और बीटा था, बीटा को जब गुजारा गया तो इन्होंने अपनी दिशा कर ली थी किसकी ओर, गामा प्लस की ओर। इतनी बात समझाई। अब देखते हैं तीनों का अध्ययन करते हैं गहराई से। भी तीन किरण, एक तो होगी अल्फा, दूसरी होगी बीटा और तीसरी होगी गामा। अब आपने पढ़ा होगा दो आवेश हैं, एक दूसरे के प्रकृति के हो, मतलब एक जैसी प्रकृति के हो, तब तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, जैसे माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो, जैसे प्लस माइनस, तो ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये क्लियर करेगा इसके साथ, जैसे इसने किरण को गुजारा तो जो अल्फा किरण थी वो किसकी ओर आकर्षित हुई, माइनस की ओर, तो माइनस अपनी ओर किसको आकर्षित करता है, प्लस को ही, तो ये किरण कौन सी होगी, वी प्लस। ये दूसरा आवेश है प्लस का, यहां से जब किरण गुजारेगी तो इसने प्लस आवेश ने किसको आकर्षित किया था, गामा,
बीटा किरण को, ठीक है बीटा किरण है तो यहां से प्लस आवेश है तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस वी माइनस आवेश होगा बीटा किरण पे, इस पे कोई आवेश नहीं होता क्योंकि इसे ये के अंदर से होकर गुजर गई थी। अगली बात है भी इनकी चाल होती है 15,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, सबसे कम मानी जाती है, सबसे कम होती है, ठीक है इससे ज्यादा मैंने बताया था जो अल्फा कण है, ठीक है अल्फा की चाल और बीटा से क्या होती है, कम होती है, सॉरी बीटा से कम होती है और इसकी चाल सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा चाल किसकी होती है, गामा किरण की। अब दूसरी बात, इसके अलावा इसमें बात करते हैं हम वेदन क्षमता, वेदन क्षमता की बात करते हैं तो वेदन वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है लैम्डा में, सॉरी गामा किरण, उसके बाद होती है बीटा और उसके बाद होती है एल्फा। ये वेदने की क्षमता मतलब इनको पार करने की क्षमता, एल्फा की चाल सबसे कम होती है जिसके कारण ये बहुत ही पतली मान लीजिए एल्यूमिनियम की जो चादर होती है या एक पेज मान लीजिए, पेज को भी ये पार नहीं कर सकती और ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर मोटे शीशे को पार कर सकती है, बस इतनी इसकी सबसे ज्यादा है वेदन क्षमता इसकी। अब ये डिपेंड करती है वेदन क्षमता तरंग देती है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तरंग दैर्ध्य के बारे में बता देता हूं। मान लीजिए ये है एक वक्र है, ज्या वक्र बोलते हैं, जैसे आवर्ती को रिप्रेजेंटेटिव करते हो आप, ठीक है एक वक्र, ये प्रति सेकंड भी है, ये भी प्रति सेकंड होती है और ये भी प्रति सेकंड होती है, ये पूरे चक्कर करती है 1 सेकंड में 15,000, ये इससे ज्यादा बीटा और सबसे ज्यादा करती है गामा, ठीक है। तो देखते हैं तरंग दैर्ध्य क्या मतलब है, जब मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर ये इसकी चाल है 15,000 तो ये इसकी ज्यादा होगी चाल, तो दूसरी जो बीटा की चाल है ये मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर 2 चक्कर पूरे करती है, या मान लीजिए 1.5 चक्कर इसने 1.5 साइकिल अपने पूरे कर लिए जब तक इसने अल्फा ने 1 चक्कर पूरा किया। अब तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है अगर मैं इस तार को, एक तार है वक्र आकृति बना है, अगर मैं इसके दोनों सिरों को पकड़कर सीधा कर दूं तो जितनी इसकी लंबाई होगी, इसकी लंबाई है ये और इसकी लंबाई है ये, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, इसकी, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य इसकी है, ठीक है। अब बात करते हैं आयनन क्षमता की, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस से भी, सबसे ज्यादा चाल किसकी होती है, अल्फा की, सॉरी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरण की, उससे कम बीटा की और उससे कम किसकी होती है, अल्फा किरण की। और आयनन क्षमता की बात करें, आयनन क्षमता की बात करें इसके विपरीत अल्फा बीटा और गामा ये 3 किरणें, ठीक है दोस्तों। अब अगला टॉपिक है हमारा इसी में भी कोई तत्व है या परमाणु है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था भी परमाणु भार और परमाणु संख्या या द्रव्यमान, परमाणु भार कोई दूसरा नाम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में जान रहे हैं भी एक पदार्थ है, ठीक है इनमें से या एक नाभिक इनमें से जब इन तीनों किरणों को गिराया जाए, अल्फा बीटा गामा तीनों किरण जब उत्सर्जित हो जाए तो इनके परमाणु भार
तथा परमाणु संख्या, या तो परमाणु भार और दूसरी परमाणु संख्या, दोनों में क्या होती है, तो वृद्धि होती है या कमी होती है। इस कमी या वृद्धि, इस नियम को बोलते हैं वर्ग विस्थापन नियम। ठीक है, दूसरा नाम इसे दिया जाता है सोडी भोजन नियम। ये इस पे डिपेंड, ये सिर्फ गामा और बीटा पे कार्य करता है, सॉरी बीटा और अल्फा पे कार्य करता है। देखते हैं कैसे। भी एक थोरियम तत्व तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये लीजिए थोरियम तत्व तो। परमाणु संख्या होती है इसकी 88 और 226 का परमाणु भार होता है। जब किसी पदार्थ में से एक अल्फा किरण उत्सर्जित होती है, जब किसी पदार्थ में से एक अल्फा किरण उत्सर्जित होती है तो दो परमाणु संख्या तथा चार परमाणु भार में कमी होती है। जब एक थोरियम तत्व में से एक अल्फा एक किरण गुजारी जाती है तो दो परमाणु संख्या तथा चार परमाणु भार में कमी हो जाती है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इनमें से दो निकाल दीजिए, कितना हो गया 86 थोरियम और ये 222 222। और जब इसी तत्व में से एक गामा किरण उत्सर्जित की जाती है तो परमाणु भार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता या द्रव्यमान संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सेम टू सेम रहती है और सिर्फ परमाणु जो संख्या होती है उसके अंदर एक की वृद्धि हो जाती है। जैसे थोरियम 226 में से गुजारा जाए तो एक की किसकी वृद्धि होगी, परमाणु संख्या। ठीक है, तो 88 से हो गया 89 थोरियम 226, ये होती है गामा के लिए और ये होती है अल्फा के लिए। ठीक है, अब इनके अलावा इन पे इनके जो परमाणु संख्या भार में कमी होती है तो इनपे एक ऊर्जा रूपांतरित होती है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, मतलब ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए तथा इनकी उपस्थिति, जी कौन सी तरंग किस दिशा में गई है, इनका पता लगाने के लिए एक उपकरण आता है जिसका नाम है अबरगोस्ट। क्या नाम है, अबरगोस्ट। इसकी खोज किसने की थी, सी आर टी विलियम। भी एक रेडियो स्थिरता तत्व है जिनमें से उसका ऊर्जा का पता लगाने के लिए तथा उसपे उत्सर्जित किरणों का पता लगाने के लिए अबरगोस्ट आता है। ये कौन से तत्व के अबरगोस्ट रूपांतरण करते हैं, मतलब रेडियो स्थिरता के तत्वों में कणों की उपस्थिति दिखाने के लिए तथा उनके ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए अबरगोस्ट नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसका आविष्कार किया था सीआरटी विलियमसन ने। याद कैसे रहोगे, भी रेडियो रेडियो एक्टिव, ये वह सॉरी रेस हो गया जिसमें आर होगा। ठीक है, और एक्टिव मतलब लास्ट के क्या अंदर क्या है, वह की वॉल्यूम आ रही है, तो वैसे हो गया सीआरटी विलियमसन। आर से रेडियो और वी से वह का वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा एक बात और होती है, तीन परिभाषा है, संभारित। ठीक है,
सम न्यूट्रॉनिक्स और सम स्थानिक। यहां पे याद रखना है आपको बारी का मतलब बार, परमाणु का बार, ठीक है, और सम का मतलब समान। किसी तत्वों में से विकिरणों को गुजारने के बाद, ठीक है, उस तत्वों के परमाणु बार समान रहता है तथा परमाणु संख्या में कमी या वृद्धि हो। किसी तत्व में से विकिरणों को सृजित कराने के दौरान परमाणु भार तो बराबर रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, क्योंकि सम बारिक है, और परमाणु संख्या क्या हो, या तो कमी होगी या वृद्धि होगी, जिसे क्या बोलते हैं, सम बारिक बोलते हैं। दूसरा है सम न्यूट्रॉनिक्स, जिसके नाभिक में या प्रोटोन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ भी हो, नाभिक सॉरी परमाणु के अंदर प्रोटोन व न्यूट्रॉनों की संख्या में कोई भी परिवर्तन हो पर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रहनी चाहिए, समान, न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहनी चाहिए। ऐसा तत्व जिनमें से विकिरण उत्सर्जित होने के बाद उनमें प्रोटॉन व या इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो परिवर्तन हो सकती है पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहेगी, वो तत्व कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक्स। और सम स्थानिक का मतलब क्या है, जिसमें परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या तो कुछ भी हो लेकिन परमाणु संख्या क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, उसे बोलते हैं सम स्थानिक, जिसके अंदर परमाणु संख्या अलग अलग या भिन्न भी हो, ठीक है, तथा परमाणु की संख्या में क्या रहना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक था इतना ही, अगले टॉपिक में इन्हीं में से कुछ एक दो चीजें रह जाएगी तो मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। अगर मेरा सॉरी मेरी वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।